श्री कृष्ण, मुझे माता जी की ये डिश एक पहाड़ी है, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। उत्तराखंड की है, लेकिन मेरी स्टाइल में मैं बनाऊंगी। बनाने का तरीका शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लिया है, 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच तेल डालना है। तेल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। ये दही है, दही को मैं अच्छे से एक कांटे वाले चम्मच से फेंट लूंगी। ज्यादा नहीं फेंटना है, थोड़ा सा ही। एकदम घर का जमाया हुआ दही है, बहुत ही बढ़िया 400 ग्राम दही है। तेल गर्म हो चुका, थोड़ा सा राई और जीरा डालूंगी। अच्छे से टटकने देंगे राई जीरे को। कढ़ाई जीरा अच्छे से टटक गया है तो बारीक कट किया हुआ लहसुन, मैंने एक गांठ कट किया है वो डाल दूंगी। आप पर कम खाते हो तो कम डालना, लेकिन ये बारिश के मौसम है और थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो सेहत के लिए लहसुन अच्छा रहता है। थोड़ा सा लहसुन को पका देंगे। देखिए लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, तो फंड गए ना, मूंग डालूंगी, साथ में गाजर, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम डालूंगी। थोड़ा सा एक चुटकी नमक डालूंगी। अच्छे से सौते करेंगे। अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट है वो डालूंगी 1 चम्मच। ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। ये मिर्ची तिक्की वाली है, पेस्ट के अंदर मसाला कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, चुटकी नमक पहले डाला, इसके हिसाब से कम डालेंगे थोड़ा नमक। अब स्वाद के हिसाब से डालिए थोड़ा सा धनिया जीरा और 1 चुटकी कश्मीरी मिर्ची। चलिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये डिश झटपट बन जाती है और पका हुआ चावल मैंने लिए तुरंत पका के, आपके पास ठंडा हो तो भी चलेगा। हरा धनिया डाल देंगे लास्ट में, गैस को बंद कर देंगे। हरा धनिया डालना है, अच्छे से मिला देंगे। चलिए डिश सजाने की तैयारी करते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसके अंदर मेरे चावल डालूंगे। ये देसी वाले चावल है, छोटे वाले, खाने में बहुत ही सुपर लगेंगे। एक बार आप बना के खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। मैंने पहले भी बताया मेरे पास फ्रेश चावल है, ठंडे चावल भी बहुत ही सुपर रहते हैं। देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं, ये चावल के ऊपर पूरा हमारा दही डाल दूंगी। दही डालने के बाद अच्छे से मिला देना है लेयर, इसके ऊपर जाएगा हमारा। देखिए मित्रों, किस किस को मेरी डिश पसंद है कमेंट में बताना मुझे। एकदम हेल्दी और टेस्टी डिश बना दी है मैंने तो। कोपरे और हरी मिर्ची की चटनी, थोड़ी सी कट की हुई हरी मिर्ची, ये डिश में एक प्लेट के अंदर ले लूंगी। लहसुन की चटनी आएगी, लहसुन की चटनी एकदम फ्रेश बना दिया मैंने। ये ग्रीन चटनी टोपरे वाली है, तिक्खी नहीं है जरा से भी। उत्तराखंड की स्पेशल डिश मेरे तरीके से बना के रेडी कर दी है मैंने तो। मित्रों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दूसरे वीडियो के साथ वापस मिलूंगी, तब तक ओके बाय।